हेलो ऑल ऑफ यू, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने क्या देखा कि पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखे, उसके बाद डिग्री देखी कि डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का। आज हम लोग पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करेंगे डिग्री के बेसिस पे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पे। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो, वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे इसकी डिग्री क्या है? 6x की। ये पॉलिनोमियल ऑफ x है, इसकी डिग्री क्या है? 1 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, ये देखिए, पॉलिनोमियल ऑफ y, 5y+2, इसकी डिग्री क्या है? 1 है y की। हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल क्या है? यहाँ से चेक करेंगे y, तो y की का पावर क्या होगा? क्या है? 1 है, 1। अच्छा, अगर मैं ये बोल दूँ, अगर मैं पूछूँ कि क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ जेड लिखा हूं, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर यहां पे क्या है? 2, यानी डिग्री कितनी है? 2 है। तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग क्या करेंगे? नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो, तो वैसे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल। और वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो, तो वैसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात क्लियरली समझ में आ रहा है? ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट, वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो। देखिए, जैसे अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिखता हूं, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आया? यानी हमने 3 चीज पढ़ी, लीनियर पॉलिनोमियल, वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। उसके बाद दूसरा पढ़ा कि वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और उसके बाद तीसरा पढ़ा कि वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो जैसे ये भी देख लीजिए, x³ + 9, ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर इसका क्या है? 3 है, यानी कि पावर जिसका 3 है वो क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आप लोग को आएगा क्लासिफाई करने के लिए, बताने के लिए, तो आप लोग उस तरीके से आराम से बता लेंगे। ठीक है, अगर अच्छे से समझे हैं इस वीडियो को तो ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर अच्छे से आपने इस वीडियो को समझा है। अच्छा, ये कैसा पॉलिनोमियल है? 1, 2, 3, 4, 5, ये सब कैसा पॉलिनोमियल है? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? ये सब क्या है? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है? 0 है। देखिए, एक्स का पावर क्या है? 0, एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0, यहां पे भी एक्स का पावर 0। चाहे कोई भी वेरिएबल, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो, वेरिएबल का पावर अगर 0 है तो ऐसे को क्या कहेंगे? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। बात समझ में आया? ठीक है, उसके बाद 0 कैसा पॉलिनोमियल है? अभी 1, 2, 3 तो हम लोग पढ़ रहे हैं, 0 कैसा पॉलिनोमियल है? 0 को हम लोग कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। 0 को हम लोग क्या कहते हैं? 0 पॉलिनोमियल। 0 को हम लोग बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है, कोई बता सकता है? तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है अनडिफाइंड होती है,
अनडिफाइंड होती है, या हम लोग कह सकते हैं कि इसकी डिग्री नेगेटिव में होती है, नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हाइयर टर्म्स है। ठीक है, अभी आप लोग को ये चीज़ें अभी नहीं समझनी है, तो बस इतना याद रखिए कि अनडिफाइंड है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अच्छा, एक और चीज़ हम लोग इस वीडियो में कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी पॉलिनोमियल को कैसे लिखें, हाउ टू राइट अ पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है कि हम लोग डिग्री के बेसिस पे अगर किसी पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या है, 5x8 माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 2x7 माइनस 5x3। ठीक है, अब बोल रहा है कि राइट दिस पॉलिनोमियल इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कोई भी पॉलिनोमियल को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी, दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल, प्लस 9 ऐसे दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिग्री के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, तो सबसे बड़ी डिग्री किसकी है, 8 है इसमें, 5x8। यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को हम लोग कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 5x8। फिर उसके बाद डिसेंडिंग फॉर्म मतलब क्या, बड़े से छोटे में जाते हैं, यानी सबसे बड़े, उसके बाद डिग्री कौन सी है, प्लस 2x7 का, है ना। फिर उसके बाद किसकी डिग्री है, क्यूब का, यानी कि 5x3। ठीक है, उसके बाद किसकी है, माइनस 7x2 प्लस 9। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि राइटिंग एन एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्रीज, देन सच एक्सप्रेशंस आर नोन एज आर सेट टू बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। बात समझ में आया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म आज बता दिया आप लोगों को, ये सारी चीज़ें बता दी, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री बता दिया। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है वो बता दिया आप लोगों को। ओके, अब तो कुछ रहा नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये भी बता दिया आप लोगों को। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बताना सीखेंगे। ओके, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अच्छे से अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वाले वीडियोस जरूर देख लेना। ठीक, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ओके, थैंक यू।